और एचएसआईएल के तिमाही रिजल्ट्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एचएसआईएल के प्रेसिडेंट मिस्टर आरबी काबरा साहब जुड़े हैं। काबरा साहब, स्वागत है सीधी सी आवाज पर आपका। अच्छा क्वार्टर रहा है, आप सबको क्विकली बता दूं, आय में मैं देख रहा था साल दर साल 10% का इजाफा है, इबीटा 1% के आसपास बढ़ा है, मार्जिन थोड़े से सब्ड्यूड है, कुछ नरमी जरूर देखने को मिली है, 20.4 से घटकर 18.8, लेकिन मुनाफा 22% के आसपास का उछाल दिखा रहा है, तो एक मिक्स बैग कहना चाहिए। काबरा साहब, कैसे देखो इन नंबर्स को, क्योंकि हम लोग जब मार्जिन पिक्चर देखते हैं, मार्जिन प्रोफाइल देखते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 160 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है, कोई खास कारण? धन्यवाद आशीष मेरे को आपके चैनल पे बुलाने के लिए। आपका आने के लिए धन्यवाद सर। और आपने ये बिल्कुल सही कहा है, ये क्वार्टर हम लोगों के लिए ठीक रहा है, एंड हमारे सारे इन्वेस्टर और सब लोग जानते हैं कि हम दो बिजनेस सेगमेंट में हैं, एक हमारा बिल्डिंग प्रोडक्ट डिवीजन है, एक हमारा पैकेजिंग प्रोडक्ट डिवीजन है। बिल्डिंग प्रोडक्ट डिवीजन हमारा मेजर डिवीजन है, जो कोर बिजनेस है हम लोगों का, और पैकेजिंग में हम लोग बाद में आए थे। सो दी बिल्डिंग प्रोडक्ट में हमारा इस क्वार्टर में लास्ट ईयर के क्वार्टर से 17% ग्रोथ है, और इसमें मार्जिन में थोड़ा प्रेशर ईबीट लेवल पे आपने बोला वो सही है, बट उसका एक रीजन ये हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोडक्ट में हम लोग एंटर करे हैं। ये हमने अगस्त और सितंबर में हमने वाटर गीजर लॉन्च करे थे, अभी हमने दिसंबर में एयर प्यूरिफायर लॉन्च करे हैं। ओके, सो कंज्यूमर प्रोडक्ट में हम लोगों ने जो डाइवर्सिफाई किया है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो टीम बिल्डअप कर रहे हैं, उसके लिए जो एडवर्टाइजिंग पे खर्चे कर रहे हैं, वो इस क्वार्टर में काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर है। अदरवाइज जो हमारा कोर बिजनेस है उसमें मार्जिन प्रोटेक्टेड है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट में आप डाइवर्सिफाई करने की बात करें, इससे चलते मार्जिन पे इस समय तो प्रेशर है, क्योंकि अतिरिक्त एक्सपेंसेस आपको उठाने पड़े। अब तक रिस्पॉन्स कैसा रहा है, किस तरह की ट्रेजेक्ट्री वहां पे नजर आ रही है, उस कारोबार के बारे में थोड़ा सा समझाएं। हाँ, ये जो हम लोग जैसे अभी हमारे इसमें किचन अप्लायंसेज जिसको हम बोलते हैं किचन हुड्स एंड होब्स, उसमें तो हम लोग 4 साल से हैं, और हमारे डीलर भी कुछ गीजर बेचते थे, तो हमने यूरोप की एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर से टाइप करके हमने गीजर लॉन्च करे थे, एंड अब एयर प्यूरिफायर लॉन्च करे हैं, एंड वी विल बी लॉन्चिंग मोर प्रोडक्ट्स इन टाइम्स टू कम। और इस बिजनेस में चूंकि बेस बहुत छोटा था, तो ग्रोथ इज अराउंड 300% इन दिस क्वार्टर, तो बेस छोटा है। अच्छा, एक क्विकली सवाल, फाइनेंस कॉस्ट 50% के आसपास कम हुई है, डेट चेक दे दें, कितना डेट ऑफलेट रिड्यूस हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट ब्याज पर खर्च कम कैसे हुआ है? ये सर, हमने लास्ट ईयर आपको ध्यान हो तो मार्च में हमने QIP किया था। अच्छा, उससे भरपाई करी 250 करोड़ रुपया हमने उससे रीपे किया था, और इस साल में हमने जो हमारा इंटरनल जनरेशन है उससे 9 महीनों में हमने करीब 75 करोड़ रुपया रीपे किया है। अच्छा, सो करीब करीब 350-350 करोड़ रुपया लोन हमने रीपेमेंट पिछले एक साल में कर दिया है। जिसकी वजह से हम लोगों का इंटरेस्ट कॉस्ट ही डाउन है। चलिए, इस खराब वातावरण में कंपनी जिसके नंबर्स एटलीस्ट स्टडी नजर आ रहे हैं, काबरा साहब कांग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन चलिए, बाजार के इस मौजूदा घंटे में आप कहां करें कमाई, ये बताने के लिए हम लेकर आए हैं जोरदार तत्काल ट्रेडिंग आइडिया।